इस कड़कती धूप में सफर करना किसी सरफिरे का ही काम है। बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, कोई राइड नहीं हो रही थी, बट इस संडे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और हम लोग राइड के लिए निकल गए थे। हम लोग राइड पे मांडन गए थे। मांडन के आप लोगों ने दो तीन व्लॉग्स देख चुके होंगे, बट मैं ये सोचता हूँ कि हर मंजिल की अपनी पहचान होती है और हर सफ़र की एक नई कहानी होती है। तो ये जो कहानियाँ हैं मेरे सफ़र की, वो बटोरने के लिए मैं राइड पे निकलता हूँ। इस सफ़र की भी एक अलग कहानी है, तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड समर्स चल रहा है तो बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही है। समर्स में राइड करने में मज़ा नहीं आता है और आज मैं सोच रहा हूँ कोई राइड करने के लिए। मोस्टली सोलो करूँगा और अभी तक ना कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुई है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बट सोचा यही है कि कोई पानी बॉडी हो, वाटर बॉडी हो, उसके आसपास कहीं जाएंगे एंड माउंटेन्स भी हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसी प्लेस ढूंढते हैं, पिटारे में से कुछ निकालेंगे। अगर कुछ नया नहीं निकला तो पुरानी प्लेस में भी जाएंगे, बट जाएंगे ज़रूर। ओह यस, यहीं पे है सब कुछ, मेरा सामान तामझाम, टैंक बैग भी है, नी गार्ड्स भी है, जैकेट है, रेन गार्ड की अभी ज़रूरत नहीं है। उस दिन दोपहर की चांदनी कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी और हम लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे थे, कुछ भी पी रहे थे, पानी, एनर्जी ड्रिंक, शुगर कैन जूस, एनीथिंग यू कैन हैव। एंड जब भी राइड पे रहो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। हम लोगों ने यहाँ से कुछ चॉकलेट्स भी खरीदी थी जिसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये हमारा लास्ट स्टॉप था जहाँ पे हम लोगों ने चांस लिया था। मांडन से पहले हम लोग 3 बार रुके थे और उसके बाद ये जन्नत जैसा रास्ता शुरू हो जाता है, बिकॉज इस रास्ते पर घाट है और कर्व्स है। एंड यू नो गाइस, आई लव कर्व्स, घाट वाले। मांडन पहुंचने से पहले हम लोग एक और प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे, बिकॉज घर पे बैठ के जब मैं गूगल मैप्स में इस प्लेस की ज्योग्राफी देख रहा था तो जो कर्जन डैम है उसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और उसका जो बैक वाटर है वो काफ़ी प्लेसेस को ब्यूटीफुल बनाता होगा। यही सोच के हम लोग एक और प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। यहाँ पे हमें कुछ क्यूट से बच्चे दिख रहे थे जिनके लिए मैंने चॉकलेट्स कैरी किया था। जब भी कोई ऐसी इंटरनल प्लेस पर जाना होता है तो मैं अपने साथ कुछ चॉकलेट्स कैरी करता हूँ और वहाँ के किड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ जब बाइकर्स ऐसे गाँव में जाते हैं तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमसे डरे नहीं और थोड़ा फ्रेंडली रहे, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमें गुस्से से देखते रहते हैं और जो बाइकर्स की छवि है और जो इम्प्रेशन है वही सुधारने के लिए ये काम मैं करता हूँ। यहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, अगर आप बाइक लेके ही जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो आप मांडन ही जाइएगा। यहाँ पे हमें थोड़ा रास्ता मुश्किल मिला था और मैंने कुछ और मुश्किल कर दिया था, तो कुछ फुटेजेस देखिए फिर बाद में आपको मिलते हैं वापस से। हेलो, हाय हाय, આ ગામનું નામ બોડીદ્રા અને આ જગ્યાને શું કહે છે? બોડીદ્રા જ કહેતા હશે, બોડીદ્રા ગૂગલ માં મળી જશે। ઓકે, સો અહીંયા તમે કુક કર્યું છે આજે? અરે વાહ, बाय।
उस दिन GoPro का माइक बिगड़ गया था, इसके लिए आपको वॉइस ओवर करके ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये प्लेस मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी, बट मुझे बनाना था व्लॉग, इसके लिए हम लोग मांडन के लिए निकल गए थे। ये जो आप 3 पाम ट्रीज देख रहे हो, हमने बहुत दूर से देखा और वहाँ पे कुछ लोग देखे, बहुत अच्छे लोग थे, फ्रेंडली लोग थे। अगर आपको आना है यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है, आपको कोई ज़्यादा आसपास लोग नहीं दिखेंगे, भीड़ भाड़ नहीं होगी और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस दिख सकती है। अब चलते हम लोग अपनी मेन लोकेशन मांडन की ओर। ये जो टेम्पल आप देख रहे हो बिल्कुल उसके बाजू में मांडन का बोर्ड है, बट वो गाँव में से रास्ता जाता है। अगर आप 2-व्हीलर लेके जाते हो तो वो ठीक है, अदरवाइज आधा किलोमीटर के बाद आपको एक लेफ्ट साइड के वी शेप का रास्ता मिलेगा, वहां से आप 4-व्हीलर लेके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे हमें बोटिंग करना था और मैं अपना वॉलेट भूल गया था। सुबह से अभी तक का जो सफर था वहां पे UPI से काम चल गया था, गूगल पे, पेटीएम सब जगह पे था, गन्ने के जूस वाले के पास भी पेटीएम था, बट मुझे पता था कि यहाँ पे जो बोट वाला रहेगा उसके पास UPI नहीं होगा, इसलिए हम लोग जहां लास्ट रेस्टोरेंट में रुके थे वहां से हम लोगों ने 100 रुपया कैश ले लिया था। 50-50 रुपये पर पर्सन यहाँ पे बोट वाले लेते हैं और आधा पौना घंटा घुमाते हैं। फॉर अवर सरप्राइज फुल साइज बस लेके लोग यहाँ पे आए थे, कोई बड़ौदा का टूर प्लानर है जो वन डे पिकनिक करवाता है और नाइट कैंपिंग भी मांडन में करवाते हैं। अगर मुझे नाम पता चल गया तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। और दोनों जो प्लेसेस हैं मांडन और बोरिद्रा, दोनों की गूगल लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए व्लॉग थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। तो मेरे पास गूगल पे से गूगल पे खाली पूछू छू, मेरे पास 600 रुपया छुट्टा, हाँ पर गूगल पे नहीं ने कई वो नहीं, 600 रुपया अभी दो हमें पहला बस तो पी चलो जता रही है। यो मैन यो हैप्पी होली हो जाएगा अभी हमारा। तुम्हारे पास लाइव जैकेट नहीं, तुमने तरता आवड़े है ना, तरता आवड़े से मन बचाई लेजो ना। अरे आ तो वांधो नहीं, जो कदाच कहीं थाय ने तो आ तो वांधो छे, हे लगन बगन थाय नहीं है ना, बराबर मने बचाई लेजो, मारे बे छोकरा ने बे तो चलिए इस ब्यूटीफुल सफ़र का अंत करते हैं। और मेरे GoPro का माइक नहीं चल रहा था, तो जैसे मैं हमेशा व्लॉग बनाता हूँ वैसा व्लॉग नहीं बन पाया था, बट इतनी तेज़ धूप में मैं इतनी दूर गया था तो इसका व्लॉग अपलोड करना ज़रूर था। तो कुछ स्टोरी के तरीके से आपको दिखा दिया है व्लॉग कैसा है कैसा नहीं, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और कोई आपके ग्रुप में या फैमिली में कोई ऐसी प्लेस ढूंढ रहा है कि जहाँ पर आप समर्स में जा सकते हो तो उनके साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।